अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम बनाने जा रहे आलू पालक। इसके लिए हमने आलू लिया, 3 बड़े आलू है। इसको अच्छे से धो के हमने चॉप कर लिया, क्यूब कट करके रख लिया। एक मीडियम साइज, बड़ा मीडियम साइज या बड़े साइज का ही एक ओनियन चॉप कर लिए। ग्रीन चिली, 5-6 ग्रीन चिली, इसको चॉप कर लिए। पालक, हमने 3 बंडल पालक लिया है, इसको अच्छे से धो के चॉप कर लिया। ये धोया हुआ पालक है, ठीक है। और ये पाउडर मसाला है, इसमें हमने खड़ा जीरा लिया है, सफ़ेद जीरा जिसको बोलते हैं, और खड़ा जीरा ये है। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर पिंच मतलब ज़रा सा लिया, नमक स्वाद के अनुसार आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और हींग। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में हमने तेल ऐड किया है, हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, आप कोई भी ऑयल यूज मतलब ले सकते हैं। जब तेल गर्म हो गया तो पहले हम ये आलू को फ्राई कर लेंगे। देखिए, आलू हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको छान छान के निकाल लेते हैं। आलू निकाल लिया, अब इसी ऑयल में हम हींग ऐड करेंगे। सफेद जीरा ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली और ओनियन, ये सब ऐड करेंगे। सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, बस सिर्फ प्याज को सॉफ्ट करना है। अब इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा जिंजर का, ग्रेट कर देंगे इसी में, इसको ग्रेटर से इसमें ग्रेट कर देंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना। ये देखिए, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया, अब इसमें ये ड्राई मसाला ऐड कर देंगे।
इन्हें थोड़ा सा भुनना है कि मसाला का स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे क्योंकि आलू तो हमारा ऑलरेडी फ्राई है और हाफ गल चुके हैं, तो पहले हम पालक ऐड करेंगे। पालक हमने ऐड कर दिया, अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। वैसे पालक से तो पानी वैसे ही रिलीज होता है, बट हम थोड़ा हाफ कप ऐड कर देंगे कि इससे पालक हमारा अच्छे से गल जाए। अब इसे कवर कर देंगे। अब इसको चलाते वक्त ना इस तरह से दबा, स्पून की मदद से ही इसको इस तरह से दबा दबा कर चलाएंगे कि हमारा ये पालक जो है ना थोड़ा मैश हो जाए। ठीक है, इसको इस तरह से चलाने के बाद ये देखिए पालक हमारा गल चुका है अच्छा खासा। इसको इस तरह से मैश कर करके चलाने से और ये अच्छा सा मैश हो गया है। इसको जब भी चलाए इस तरह से मैश कर करके चलाए तो ये अच्छा मैश हो जाएगा। और अभी भी इसमें पानी है, ये देखिए इसमें अभी भी पानी है, तो अब हम इसमें ये आलू ऐड कर देंगे। अब ये बचा हुआ पानी में ये आलू का जो भी कसर बाकी है ये टेंडर हो जाएगा। आलू फ्राई करते वक्त भी कुछ गला होगा और अभी ये पानी ड्राई होते होते आलू टेंडर हो जाएगा। फिर ये देखिए हमारा रेडी है ये आलू पालक। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है
और आलू भी गल गया। हम दिखा दे आलू भी गल गया, चाहे किसी भी आलू को भी काट सकते। आलू भी गल गया और पानी भी ड्राई हो गया इसका। फिर एक जरा पानी, तब हम इसको डिश आउट करते हैं।